Hello students, welcome to Career JYOTI Education. Career JYOTI Education के इस डिजिटल लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है. आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में. तो मेलिंग टैब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे. तो आइए हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको चालू कर देना है. तो जैसा कि आपको जो है आपने इसके पीछे का लेक्चर आपने क्लियरली ले लिया हुआ है. इसके पहले आपने होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट और रेफरेंस, इन सभी लेक्चर को आपने अच्छी तरीकों से सीखा और इसका नोट्स बनाया और जो है नोट्स बना के आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया. उसी को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं मेलिंग. अगर आपने पीछे के लेक्चर्स को सही तरीकों से नहीं समझ में आया रहेगा तो आप लोग जो है उस लेक्चर को रिपीट करके सुन सकते हैं या तो अपने स्टाफ से उस लेक्चर के बारे में बात कर सकते हैं. रेगुलर नोट्स बनाना और उसको प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि करियर ज्योति एजुकेशन का उद्देश्य है बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर एजुकेशन मिले, जिससे करियर ज्योति एजुकेशन आगे के बच्चे आगे चल के अच्छी जॉब और अच्छी नौकरी कर सके. तो आइए देख स्टार्ट करते हैं मेलिंग को. मेलिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि हमको किसी को मेल तैयार करना, मेल तैयार करना या लेटर तैयार करना. मेल आप किसी को सेंड करो या लेटर करो, ये इसका मतलब दोनों से होता है. अभी नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो ये मेल है या लेटर है, ये लेटर कोई एम्प्लॉई जो है कंपनी को नहीं भेज रहा है या कोई स्टूडेंट जो है अपने प्रिंसिपल को नहीं दे रहा है. यहाँ पे ये जो लेटर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये लेटर जो होता है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देती है या अपना कॉलेज या स्कूल जो है बच्चों को देते हैं. जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, कोई कॉलेज में एक बड़ा सा फंक्शन है, कॉलेज वालों ने ऐसा डिसाइड किया हर बच्चों को हम एक लेटर दे के उनके पेरेंट्स को हमको इन्वाइट करने का है. तो यहाँ पे अपने कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सभी बच्चों को लेटर बनाना बहुत बड़ा टास्क होएगा, क्योंकि हर बच्चों का अलग अलग नाम होएगा, हर बच्चों का अलग अलग एड्रेस होएगा, हर बच्चों का जो है अलग अलग उनके नाम का जो है मैसेज लगेंगे. तो इस तरह से हर बच्चों के अलग अलग लेटर बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, बट सबके लिए मैसेज जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, उनका मैसेज रहेगा. जो मैसेज देना चाहते हैं वो सभी बच्चों के लिए एक ही रहेगा, लेकिन हर बच्चों का नाम और एड्रेस क्या होएगा, अलग अलग होगा. ऐसे ही 1000-2000 बच्चों का उनको लेटर क्रिएट करना है. तो उस जगह पे हम सिंगल लेटर अगर बनाने जाएंगे तो हमको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होता है. तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि आप जो है अगर वह एक लेटर क्रिएट करते हो और वो एक लेटर जो है ऑटोमेटिक 100 लेटर, 200 लेटर या 1000 लेटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, जितने लोगों का आपने इसमें नाम ऐड किया रहेगा. तो आइए देखते हैं किस तरह से एक लेटर जो है 1000 लेटर में कन्वर्ट होता है. तो स्टार्ट करते हैं. लेटर बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे एनवलप के बारे में. एनवलप क्या होता है, एनवलप का हिंदी मतलब होता है लिफाफा. लिफाफा जिसमें हम लोग लेटर को डालते हैं, जिसमें हम लोग पत्र को डालते हैं और दूसरों को पोस्ट करते हैं, सेंड करते हैं. तो इस लिफाफे पे एनवलप पे आपको क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है. जैसे आप इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक डिलीवरी एड्रेस दिखाई दे रहा है और एक आपको रिटर्न एड्रेस दिखाई. डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है कि आप लेटर कहाँ पे भेजना चाहते हो उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एक मिनट फिर से मैं कट करता हूँ. और जो है यहाँ पे मैंने लिखा नौरे आर्केड सत्यम टावर शिव मंदिर रोड अंबरनाथ ईस्ट. ये हमने जो है लेटर पे जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका डिटेल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है और जहाँ से आप लेटर भेज रहे हैं वो लेटर एड्रेस आपको यहाँ पे रिटर्न एड्रेस. अगर लेटर वहाँ पे नहीं पहुँचा तो कौन से एड्रेस पे रिटर्न हो सकता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन 30
VTC, ground road, VTC ground road, उल्लासनगर 4। इस तरह से यहाँ पे आपको डालना है, जो है टाइप करना है डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे आपको रिटर्न एड्रेस, ये दोनों आपको टाइप करने के बाद एड अ न्यू डॉक्यूमेंट एड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू सेव न्यू रिटर्न, तो हम लोग इसको यस कर लेते हैं। तो हम लोग इसको यस करने के बाद आप देखेंगे कि एक जो है इनोलप आपको यहाँ पे साइज, इनोलप के साइज का एक यहाँ पे पेज आया हुआ है जिसमें फ्रॉम यहाँ से लेटर कहाँ से जा रहा है, सेक्शन 30 उल्लासनगर से, और कहाँ पे जा रहा है टू मतलब अंबरनाथ जा रहा है। तो उल्लासनगर से अंबरनाथ के लिए इस तरह से आपको ये लेटर के ऊपर लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको इनोलप डिज़ाइन करना है तो आप ये इनोलप ऑप्शन में जाके अपना इनोलप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है लेबल, मतलब आप जिसको लेटर भेज रहे हैं उसी के एड्रेस का हम लोग अपने जो है इनोलप के ऊपर एक लेबल लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं। आपने बहुत पहले आपने देखा रहेगा कि जो है लेटर के ऊपर एक लेबल, एक स्टिकर की तरह लग के आता है। ऐसा अगर आपको लेबल क्रिएट करना रहेगा तो आप यहाँ पे लेबल ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिसको लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, और न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस का एक लेबल बन जाएगा। ये लेबल आप प्रिंट करके उसके लेटर के इनोलप पे आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये लेबल क्रिएट करना रहेगा। तो आपको जो है यहाँ पे मेलिंग में आपको जो है लेबल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करके इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको, मैं आशा करता हूँ आपको इनोलप और लेबल ये दोनों ऑप्शन आपको क्लियर समझ में आए रहेंगे। इनोलप का मतलब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसको लेटर भेजना चाहते हो, तो यहाँ पे उसका डिलीवरी एड्रेस आपको लिखना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, ये आपको रिटर्न एड्रेस, ये दोनों एड्रेस लिखना है, और न्यू डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्लिक टाइप करना है। तो कुछ इस तरह से आपको ये इनोलप बन के आ जाएगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। इन दोनों के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट मेल। स्टार्ट मेल में चलते हैं। स्टार्ट मेल मतलब अपना लेटर बनाने का जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेटर बनाने के लिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करके एक दूसरा पेज ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे मेलिंग ऑप्शन पे जाता हूँ। स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और यहाँ पे लेटर ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। लेटर मतलब एक पेज लेने के लिए हम लोग लेटर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक पेज लेना है इसके लिए हम लेटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेटर पे क्लिक करेंगे तो एक पेज यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास पहले से पेज दिया हुआ है जिसके लिए इसका कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने इनोलप लेवल वगैरह आपको सब पहले से बता दिया और बाकी का ऑप्शन आगे हम लोग बताएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ से सिर्फ जो है सिर्फ लेटर लेना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट रिसिपिएंट। सेलेक्ट रिसिपिएंट का मतलब होता है यहाँ पे आपको जो है जितने लोगों को लेटर भेजना चाहते हो, जितने लोगों का अलग अलग नाम से लेटर क्रिएट करना चाहते हो उतने लोगों का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाना है, टाइप अ न्यू लिस्ट में जाना है, टाइप अ न्यू लिस्ट। आपको नाम ऐड करने के लिए सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाके टाइप अ न्यू लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये सारे कॉलम्स आपको फिल करना होगा। पूरा डिटेल्स कॉलम, इतने सारे कॉलम्स दिए हुए, आपको पूरा डिटेल आपको फिल करना। अगर आप पूरे कॉलम्स को फिल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ कॉलम्स उसमें मुझे डिलीट करना है, तो आप कस्टमाइज कॉलम में जाके आप जो है उसमें से जो अनवांटेड है, जो आपकी ज़रूरत की नहीं, आप उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे वर्क फोन को सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करके इसको यस कर देना है, डिलीट हो जाएगा। घर, होम फोन नंबर, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। कंट्री, पिन कोड नंबर, स्टेट, सिटी हम लोग रख लेते हैं। एड्रेस को डिलीट कर देते हैं, ये भी एड्रेस फर्स्ट को भी डिलीट कर देते हैं और कंपनी नेम को भी डिलीट कर देते हैं। ऐसा अनवांटेड जो आपको लगे कि आप मुझे ये फिल नहीं करना है, तो आप उसको वहाँ से हटा के इसको आप ओके कर दीजिए। तो आपने जितना कॉलम आपने उधर छोड़ा हुआ था उतना ही कॉलम्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप अभी उसको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ सबसे पहले आपको टाइटल डालना है। टाइटल में हमने डाला मिस्टर, मिस्टर नेम डालना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया विकास, मिस्टर विकास, सरनेम डाल देता हूँ मोरे। सिटी यहाँ पे डाल देते हैं अंबरनाथ, उल्लासनगर, आप कौन सा भी सिटी डाल सकते हैं। स्टेट यहाँ पे डाल सकते हैं महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर 421501। और इस तरह से आपको टैब बटन प्रेस करके आगे जाना है, टैब बटन, कीबोर्ड का टैब बटन आपको प्रेस करके आगे जाना है। कंट्री यहाँ पे ले लेते हैं इंडिया, इस तरह से टैब बटन प्रेस करना है और आगे जाना है। यहाँ पे दूसरा एक नाम ले लेते हैं मिस्टर,
अजय सिंह, उल्लासनगर, महाराष्ट्र 421004, इंडिया। और इस तरह से और भी एक लोग का नाम लेते हैं, ऐसा तीन लोग का मैं नाम ले लेता हूँ, मिस्टर रोहित, रोहित जादव, कल्याण, महाराष्ट्र, पिन कोड नंबर कुछ भी डाल देता हूँ मैं, और कंट्री डाल देता हूँ इंडिया। इस तरह से आपको जितना भी यहाँ पे जो है, आप जितने लोगों का नाम एंट्री करना चाहते हो उतने लोगों का नाम, आप मैंने यहाँ पे फिलहाल तीन लोगों का किया, आप 30 का भी कर सकते हो, 300 का भी कर सकते हो, या 3000 लोगों का भी नाम आप एंट्री कर सकते हो। करने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके अपने जो भी आपने टेबल बनाया है, जो आपने नाम एंट्री किया, उसको सेव करके लेना है। आपको जहाँ पे भी सेव करना है, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे इसका नाम रख देता हूँ मैं सी जेई नाम रख देता हूँ मैं, और जो है CJE 89 रख देता हूँ, ऐसा एक नाम रख देता हूँ, और इसको सेव रख। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे आपने इसको सेव कर लिया, बाकी के जो ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट थे, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जिस तरह जैसे आप उसको सेव करेंगे, मैं इसको एक दूसरा शीट लेता हूँ कंट्रोल एन करके, और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर आप उसको सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मेलिंग में मैं नया सेट ले लिया हूँ, नया पेज लिया हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन डीएक्टिवेट है। बट अब जैसे इसमें आप सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाके, टाइप और न्यू लिस्ट में जाके आप सबका नाम सेव करते हैं, तो वैसे ये क्या होगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट, अगर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपना जो मैंने नाम जो है, जो डेटा मैंने नाम जो टाइप किया था, जो टेबल, उसको सेव करके रखा हुआ है। तो सेव करके रखने से क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर आपको वही लेटर फिर से बनाना है या दूसरा कोई लेटर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइप और न्यू लिस्ट में जाके नया लिस्ट बनाने का। अगर आपने पहले से कोई लिस्ट बना के रखा हुआ है, उस लिस्ट को आपको यूज़ करना है, तो आपको यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाने का है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाने के बाद आपने जहाँ पे भी सेव करके रखा है वहाँ पे आपको जाना है। तो मैंने कहाँ पे सेव करके रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है, तो यहाँ पे आपको जाना है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जो भी नाम से आपने सेव करके रखा है, मैंने नाम रखा है CJE नाम से रखा है, CJE 89, ये नाम से मैंने बना के रखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है और आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो ऑप्शन यहाँ पे, सभी ऑप्शन डीएक्टिवेट थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से सेलेक्ट रिसिपिएंट में दो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, अगर न्यू डेटा आपको टाइप करना है तो टाइप और न्यू लिस्ट में जाना है, आपने पहले से सेव करके रखा है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाना है। एडिट ऑप्शन पे जाके आपने जो भी नाम आपने जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो सारे नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जिसको लेटर आपको नहीं भेजना है, उसका नाम के सामने से ये जो आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें से राइट सिंबल आप हटा देंगे, उसका लेटर नहीं बनेगा। अगर आप सबका लेटर बनाना चाहते हैं तो सब पे ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं किसी का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, किसी का एड्रेस मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ऐसा अगर आपका कोई एरर आता है, कोई मिस्टेक हो गया है, तो आपको यहाँ पे आपके टेबल का नाम आपको शो कर रहा है, ये टेबल पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद एडिट ऑप्शन में जाके आपको इसमें जो भी चेंजेस करना है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। जो भी है, जैसे कि यहाँ पे सिंह की जगह पे मुझे लिखना है गुप्ता, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और इसको ओके कर दिया, और इसको ओके करके यस करने का है, ये ऑटोमेटिक जहाँ पे अजय सिंह लिखा हुआ था वहाँ पे अजय गुप्ता लिख किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेबल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप जिसको लेटर नहीं बनाना चाहते हो, उसका चेकबॉक्स में से यहाँ पे नाम आपको हटा के लेना है, इसके बाद आपको ओके करके लेना है, तो आप जो है एडिट हो जाएगा। आप जिसका भी नाम वगैरह एडिट करना चाहते हो तो ये आप जो है ये टाइप से आप जो है एडिट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ से एनवलप क्रिएट करना है, यहाँ से लेबल आपको स्टिकर बनाना है, यहाँ से आपको एक लेटर ले लेना है, यहाँ से जो है नाम आपको जो है टाइप और न्यू लिस्ट करके नाम जो है यहाँ पे आपको
जो है ऐड करना है नए लोगों को, अगर आपने पहले से ऐड करके रखा है तो उसको यूज़ करना आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एडिट में जाके अगर किसी स्टूडेंट का नाम एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेटर को। लेटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जिसको लेटर भेज रहा हूँ उसका एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको एड्रेस लाने के लिए एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे मिस्टर अजय गुप्ता, उसका एड्रेस पूरा लिख के आ रहा है। अगर उसको अलग अलग स्टाइल में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके अलग अलग स्टाइल में भी आप चेंज कर सकते हो। और इसको आपको कहना है, कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करो, एड्रेस ब्लॉक पे जाना है और जाने के बाद इसको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। एकदम छोटा सा काम करना है आपको यहाँ पे। इसके बाद एंटर करना है। अभी मुझे यहाँ पे देना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, लिख देता हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं। अभी आपको जो भी सब्जेक्ट लिखना है, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसा देता हूँ, जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा वो सब्जेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे जो है जो भी आपको बर्थडे इन्विटेशन वगैरह जो भी देना है आप यहाँ से सब्जेक्ट डाल सकते हो। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि नीचे ग्रीटिंग लाइन देना चाहता हूँ। ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है डियर सर, डियर मैडम, ऐसा जो हम लोग लेटर के ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीटिंग लाइन। अभी हमारी कंपनी हमको डियर सर, डियर मैडम नहीं बोलेगी, हमको हमारे नाम लेगी, डियर रूपेश, डियर महेश, डियर राजेश, ऐसा करके वो हमको लेने होते हैं। यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे ग्रीटिंग लाइन चाहिए पहले वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आ रहा है डियर मिस्टर गुप्ता, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख के आ रहा है डियर मिस्टर गुप्ता। अगर आपको नहीं अच्छा लगा इसको चेंज करना है तो ये इस पर आपको क्लिक करके, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे स्टाइल दिए हैं, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करो। यहाँ पे लिख के आ रहा है डियर मिस्टर अजय गुप्ता, इस पर क्लिक करके आप इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे उसका ग्रीटिंग लाइन आ जाएगा। तो ऊपर एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद बीच में आपको सब्जेक्ट डालना है, नीचे ग्रीटिंग लाइन डालना है, उसके बाद एंटर करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे इज इक्वल टू लेटर आपको जो भी टाइप करना है टाइप कर दीजिए। फिलहाल मैं इज इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट बटन दबा के ब्रैकेट लगा के मैं एक लेटर ये लिख देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड में मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नाम नीचे लिख के आया तो यहाँ पे टाइटल लगा दिया, स्पेस बटन दबा के यहाँ पे जो है उसका स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आ जाएगा, स्पेस बटन दबा के यहाँ पे स्टूडेंट का लास्ट नेम आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स अप्लाई कर दिया ताकि उसका टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए, सो होना चाहिए। इस तरह से आपने जो यहाँ पे सिंटैक्स अप्लाई किया हुआ है उसको अगर आप हाईलाइटेड करना चाहते हो तो हाईलाइट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक ग्रे कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको हाईलाइट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप इसको यहाँ से फिर से डीएक्टिवेट कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इसको यूज़ करना है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड बता दिया, एड्रेस ब्लॉक आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ग्रीटिंग लाइन आपको यूज़ करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड से आपको टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा सिटी, स्टेट, पिन कोड अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया रहेगा कि यहाँ से आप अपने जो भी आपने जो है सिंटेक्स अप्लाई किया है उसको हाईलाइट कर सकते हो, एड्रेस ब्लॉक आपको ऊपर लगाना है, ग्रीटिंग लाइन सब्जेक्ट के नीचे लगाना है और मर्ज फील्ड में से जाके एक एक चीज़ आपको यहाँ पे करके नीचे लगाना है। तो यहाँ तक आपको इसको यूज़ करना है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अभी बस हमारा लेटर का सेटिंग हो गया है तो यहाँ पे रूल्स और मैच फील्ड का यूज़ हमको नहीं करना है। इसके बाद हमको प्रीव्यू करके अपना लेटर देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर अजय गुप्ता उल्लासनगर महाराष्ट्र, डियर मिस्टर अजय गुप्ता, इस तरह से आपको ये देखेंगे कि यहाँ पे आपका लेटर लिख के आ रहा है, लेटर एकदम क्लियरली लिख के आ रहा है। हाईलाइटेड अगर आपको हटाना है तो हटा दीजिए, इस तरह से ये लेटर आपको लिख के आ रहा है। ये लेटर नंबर सेकंड आ रहा है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो लेटर नंबर फर्स्ट आ रहा है, ये एरो पे क्लिक करेंगे सेकंड आएगा, फिर करेंगे थर्ड आएगा। तो जितने भी आपको लेटर देखना है आप यहाँ पे देख सकते हो। बट ऐसे आपको बहुत सारे लेटर है, 2000 है, 3000 है या 500000 है, अगर आप किसी को सर्च करना चाहते हो कि मेरे को ये बंदे का लेटर सर्च करना है तो मैंने फाइंड रिसिपिएंट में जाके आप किसी भी बंदे को सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा अजय और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप फाइंड नेक्स्ट करोगे ऑटोमेटिक अजय का लेटर यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डाल देते हो विकास तो यहाँ पे आपको जो है विकास का लेटर चालू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं विकास तो ऑटोमेटिक विकास का लेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको किसका भी लेटर आपको
जो है सर्च करना है तो फाइंड रिसिपिएंट में जाके उसका नाम टाइप करके आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हो, ऑटोमेटिक उसका लेटर चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को, मैंने 4 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का, 1000 लोगों का जो लेटर बनाया है सब अलग अलग पेजेस पे चाहिए, इसी पेज पे एक एक करके मुझे नहीं देखना है, सबको अलग अलग पेज पे जाइए। अगर आपको सबको अलग अलग पेज पे चाहिए तो चेक फॉर एरर ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ से आपको जस्ट ओके कर देना है, कुछ करना नहीं है, आपको चेक फॉर एरर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो आप जैसे ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहला लेटर जो है विकास का बन के आया है, दूसरा लेटर अजय का बन के आया और तीसरा लेटर यहाँ पे रोहित का बन के आया, ऐसा 3 अलग अलग लेटर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से अगर आपको जो है यहाँ पे सबको अलग अलग लेटर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से भी कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अलग अलग लेटर का। अदरवाइज आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं सेव करके रख सकते हैं, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते। तो यहाँ से आपको सब पेज को अलग अलग प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ से प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे जाके प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाना है आपको और यहाँ से ऑल पेज प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ से क्लिक करके आपको ओके। अगर आपको सेलेक्टेड करना है कि मुझे पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 8 तक ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे पेज का रेंज भी दे सकते हो, लेकिन मुझे ऑल पेजेस प्रिंट करना है इसलिए मैंने यहाँ से ओके कर लिया। और यहाँ से आपको प्रिंटर अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रिंटर रहेगा, फिलहाल मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है तो मैं इप्सन का प्रिंटर ले लेता हूँ और यहाँ पे भी ऑल सेलेक्ट रखना है और इसको ओके कर देना है, आपका ये लेटर प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिनिश में जाके प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाके ऑल पे क्लिक करके ओके करोगे तो आपका पेज का प्रिंट आउट ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू नहीं देखना रहेगा तो अगेन आप इस पर क्लिक करोगे प्रीव्यू हट जाएगा, आपने जो भी बनाया था उसका प्रीव्यू हट जाएगा, फिर से आप क्लिक करोगे प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू के बाद फर्स्ट देखना है, सेकंड देखना है, थर्ड देखना है, आप देख सकते हो किसको सर्च करना है, सबको अलग अलग पेज पे करना है तो कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। इंसर्ट मर्ज फील्ड, आपको अपने फील्ड्स यहाँ पे जो फील्ड मैंने यूज़ किया है आपको यहाँ से इंसर्ट करना है। ग्रीटिंग लाइन आपको यहाँ से लाना है, एड्रेस ब्लॉक यहाँ से लाना है। हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हो, किसी को एडिट करना है, एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे अजय गुप्ता का जो लेटर है उसको मैं हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे लेटर नंबर 3 दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो लेटर नंबर 1 के बाद 3 आएगा, 2 नंबर का लेटर आपको शो नहीं कर क्योंकि एडिट में जाके मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देते हो तो आपका लेटर फिर से जो है यहाँ पे लेटर नंबर 2 एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको न्यू डेटा टाइप करना है तो ले सकते हो, पहले से आपने सेव रखा है तो आपको यहाँ से यूज़ करना है और इस यहाँ पे जाके आपको लेटर ले लेना है। अगर आपको इनोलप क्रिएट कर रहे हो या लेबल क्रिएट हो तो आपको यहाँ से कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये मेलिंग कलेक्शन आपको समझ में आया रहेगा और आप इसका अच्छी तरीकों से प्रैक्टिस करोगे कि ऑफिसली इसका बहुत यूज़ में आता है, बहुत काम में आने वाला लेक्चर है। तो आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर इसमें कुछ डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने स्टाफ से, अपने सर और टीचर से कॉन्टैक्ट कीजिए और उसको क्लियर करके लीजिए। करियर ज्योति एजुकेशन, एक कदम जॉब की ओर।